नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार NIOS की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हमारी चर्चा का विषय है आपका कोर्स कोड 504, गणित शिक्षण की विधियां। और गणित शिक्षण की विधियों के इस क्लास में हम विशेष रूप से गणित शिक्षण की आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि या गणित शिक्षण की आगमन निगमन विधि पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी प्रकार की चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मानचित्र क्या है। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि आगमन विधि क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि आगमन विधि के गुण एवं सीमाएं कौन कौन सी हैं, फिर आगमन विधि के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद निगमन विधि के बारे में जानेंगे, निगमन विधि के गुण एवं सीमाओं के बारे में जानेंगे, आगमन एवं निगमन विधियों की तुलना देखेंगे और आगमन निगमन विधि का गणित शिक्षण में प्रभावी प्रयोग। इतने बिंदुओं पे हम आज के पाठ में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कि गणित शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप सब परिचित हैं कि कोई भी विषय, चाहे वो गणित हो, भाषा हो, सबको पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों की आवश्यकता होती है। और न केवल अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए अलग विधियों की आवश्यकता होती है, बल्कि एक ही विषय में अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में एक नज़र डालें कि गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। गणित शिक्षण की प्रमुख विधियों में व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, आगमन एवं निगमन विधि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड संश्लेषण एवं विश्लेषण की विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। इसके अलावा और भी कई विधियां हैं, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, बहुत सारी विधियां हैं जिसमें आज हम फोकस करेंगे गणित शिक्षण के आगमन एवं निगमन विधि पे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आगमन विधि से। आगमन विधि जो है वो आगमन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई थ्योरम, कोई प्रमेय n के लिए सही हो और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही हो, तो वह थ्योरम जो है जनरलाइज किया जा सकता है या कि वह सभी n वैल्यूज के लिए सही होगी जहां n एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में ये जो आगमन विधि है ये आगमन के सिद्धांत पे, इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें छात्र मूर्त से अमूर्त एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर कहने का मतलब है कि इस विधि में किसी के समस्या को, किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए पहले से ज्ञात तथ्यों या नियमों का सहारा नहीं लिया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों को कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे वह अपनी सूझबूझ तथा तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उदाहरणों के द्वारा मूर्त तथ्यों का सामान्यीकरण करते हुए किसी नियम या सिद्धांत तक पहुँचते हैं। उदाहरण के लिए एक रियल लाइफ सिचुएशन का उदाहरण ले लें कि मान लीजिए आप किसी विद्यालय में जाते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, और वहाँ पे आप पाते हैं रैंडमली एक लड़के को चुना आपने और आपने देखा कि वह लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है। फिर से आपने दूसरा विद्यार्थी चुना, देखा और आपने पाया कि दूसरा विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। तीसरा विद्यार्थी आपने रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट किया, आपने देखा कि पढ़ने में बहुत अच्छा है। अगर इस इंडिविजुअल एग्जांपल से आप ये जनरलाइज करते हैं कि यहाँ इस कॉलेज के सारे विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं, तो यह उदाहरण है हमारे आगमनात्मक तर्क का, आगमनात्मक या आगमन विधि का, कि आपने इंडिविजुअल एग्जाम्पल से शुरू करते हुए एक जनरलाइजेशन किया है। आपने कुछ इंडिविजुअल इंस्टांसेज ऑब्जर्व किए हैं, कुछ स्पेसिफिक निरीक्षण किया है, विशेष केसों का निरीक्षण किया है, और उसके बाद आप सामान्यीकरण तक पहुंचते हैं कि इस महाविद्यालय के अधिकांश बच्चे या इस महाविद्यालय के सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। तो ये है सिद्धांत आगमन विधि का या आगमनात्मक विधि का। आगमनात्मक विधि में पर्याप्त संख्या में विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हुए कोई फार्मूला या सिद्धांत निकाला जाता है, और जैसा कि इससे पहले हम चर्चा कर चुके
कि यह आगमन के तर्क पर आधारित है, जिसमें विभिन्न स्थितियों में किसी को सत्य प्रमाणित करके किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे आगमन विधि का प्रयोग करके कोई टीचर चाहता है कि वो बताए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। एक यूनिवर्सल रूल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे में टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के समकोण, समद्विबाहु, साधारण त्रिभुजें बनाकर उनके कोणों का योग प्राप्त करने को कहा जा सकता है, और उसके बाद उनसे प्राप्त परिणामों को लिखा जा सकता है। टीचर को अवलोकन करने में सहायता करते हुए सभी छात्रों से ये गणना करवानी चाहिए कि प्रत्येक त्रिभुज के अलग 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 वो फाइंडिंग्स बताएं कि उनके तीनों कोणों का जोड़ कितना आता है, और अगर ऐसे 3, 4, 5, 6 त्रिभुजों के इंडिविजुअल त्रिभुजों के जोड़ 180 डिग्री आते हैं तो टीचर उनको सामान्यीकरण सिखा सकता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि शिक्षक को समझाना है विद्यार्थियों को कि आगमन विधि के प्रयोग से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले टीचर को बताना चाहिए कि वो बच्चे ट्राई करें ए प्लस बी और ए माइनस बी को जो बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा है उसके सामान्य गुणन के विधि से गुणा करें, और तब उनको प्राप्त होता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। वैसे ही अगला जो है, अगली संख्या या अगला इंडिविजुअल केस लें कि बी प्लस सी और बी माइनस सी को गुणा कराएं और उनको उसकी फाइंडिंग बताने को कहें। अगर वो आपको बताते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों से आप उनको सामान्यीकृत करते हुए ये बताएं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वस्तुतः अधिकांश गणितीय सूत्रों की स्थापना जो है आगमन विधि से ही की जाती है। आगमन विधि के कुछ गुणों की चर्चा कर लें कि आगमन विधि जो है विभिन्न तथ्यों एवं सूत्रों को समझने में अत्यंत सहायक है। जब बहुत से सरल उदाहरणों के द्वारा किसी सिद्धांत का सामान्यीकरण किया जाता है तो उसे समझने में आसानी होती है। चूँकि यह सरल से जटिल की ओर जाने की प्रक्रिया है, यह विशेष उदाहरण से सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, अतः हम कह सकते हैं कि यह है एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की रुचि आरंभ से अंत तक बनी रहती है। तीसरा जो गुण है आगमन विधि का, वह है कि यह विधि वास्तविक अवलोकन पर आधारित है, यह रियल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, तथा चिंतन एवं प्रयोग वास्तविक परिस्थितियों में अवलोकन, चिंतन एवं प्रयोग पर आधारित है। इसलिए यह उनके लिए ज़्यादा रुचिकर है, खास करके छोटे बच्चों के लिए जिनके अधिगम का मुख्य स्रोत जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना होता है। उन बच्चों के लिए यह ज़्यादा रुचिकर है एवं बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करने का काम भी करती है। साथ ही यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि भी है और तर्क आधारित विधि भी है, इसलिए गणित जैसे विषय के लिए बहुत उपयुक्त है। चूँकि यह तर्कों के साथ काम करता है इसलिए गणित के लिए बहुत उपयुक्त है, खास करके जब भी कोई हमें फॉर्मूला डिराइव करना होता है तो उसके लिए, विशेषकर शिक्षा के आरंभिक स्तर पर। जैसे देखें कि अधिकांश शिक्षण जो है आगमन विधि से ही होता है, जोड़ना हम आगमन विधि से ही सिखाते हैं, जोड़ का जनरलाइजेशन करना, वो अलजबरा के जो फॉर्मूले हैं, ट्रिगोनोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, ये सारे जो हम सिखाते हैं बच्चों को वो मुख्यतः आगमन विधि से ही सिखाते हैं। सारे गणितीय सूत्र जो है आगमन विधि से ही सिखाते हैं। इस विधि का एक और लाभ ये है कि यह बालक में चूँकि करके सीखता है, बच्चा एक 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 एग्जाम्पल लेता है, फिर उनके पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करता है और उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुँचता है, सामान्यीकरण पे पहुँचता है। तो ऐसे में यह विधि जो है बच्चों में अनुसंधान करने की प्रवृत्ति का विकास भी करती है। साथ ही यह विधि बालक की मानसिक योग्यता, क्षमता तथा भावनात्मक योग्यता और एकाग्रता जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों का भी विकास करती है। आते हैं अब हम कि आगमन विधि की सीमाएं क्या हैं। अगर आगमन विधि की सीमाओं की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इस विधि का उपयोग बहुत सीमित है। सभी प्रकार के गणितीय सिद्धांतों के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और जटिल
सूत्रों एवं सिद्धांतों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। जटिल सूत्रों को इस विधि के द्वारा स्थापित करना एक कठिन काम है। दूसरी जो सीमा है इसकी, आगमन विधि की, इस विधि से सामान्यीकरण करने में अधिक समय लगता है। आप एक एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेंगे तभी आप सामान्यीकरण कर सकते हैं। तीसरी जो सीमा है इसकी कि इस विधि द्वारा जो प्राप्त नियम हैं उनकी विश्वसनीयता उदाहरणों की संख्या पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया और मैं सामान्यीकृत कर रहा हूँ अपना निष्कर्ष, गलत होगा। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन मेरे होंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि मेरा जो सामान्यीकरण है वो विश्वसनीय है, और जितने कम उदाहरण हम लेंगे उतनी संभावना होगी कि हमारे द्वारा जो सामान्यीकृत नियम है वो गलत साबित हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो सीमाएं हैं वो ये है कि इस विधि से विभिन्न नियम तो प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन गणित में अभ्यास का कार्य इंडक्शन विधि से नहीं कराया जा सकता। इसलिए बिना निगमन विधि के साथ प्रयोग किए हुए यह अपने आप में अधूरी है। वस्तुतः आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही विधियां जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों की प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो गणित में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो दोनों को साथ साथ प्रयोग करते हैं, और इसीलिए दोनों साथ साथ आगमन निगमन विधि के नाम से जाने जाते हैं। आइए अब देखें कि निगमन विधि क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है। निगमन विधि की जो प्रक्रिया है वो आगमन विधि के ठीक विपरीत है, जहाँ पे आगमन विधि में आप विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे थे, वहीं निगमन विधि में आप सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं। और वस्तुतः यह आगमन विधि की पूरक विधि है। दोनों विधियां एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की कमियों को दूर करती हैं। गणित शिक्षण के दौरान आगमन या निगमन विधि का अकेले प्रयोग न करके दोनों का संतुलित प्रयोग जो है वो हमेशा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ये जो निगमन विधि है, डिडक्टिव विधि जो है, ये बहुत पुराना है, जिसमें एक दिए गए गणितीय सूत्र सिद्धांत को पहले स्वीकार कर लिया जाता है। पहले हमने मान लिया कि a प्लस बी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या 1 प्लस टू पे ये सही है, क्या 4 प्लस फाइव पे ये सही है, क्या 6 प्लस सेवन स्क्वायर पे ये सही है। इसका प्रयोग करके हम आगमन विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सत्यापन भी कर सकते हैं। यह विधि जो है निगमन विधि, ये संक्षिप्त है और समय की दृष्टि से बहुत किफ़ायती है। दिए हुए नियम के आधार पर समस्याओं को हल करना अपेक्षाकृत सरल होता है, बजाय खुद से एक फार्मूला डिराइव करने के। एक फार्मूला दिया हुआ है, हमने उसको मान लिया और उसमें विभिन्न वैल्यू रखते हुए हम ये सत्यापित कर रहे हैं कि उस फार्मूले से जो है हमें कंसिस्टेंट मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा ईजी है। जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना हो, एक फार्मूला दिया हुआ हो कि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब आपको इसका यूज करते हुए 1 प्लस टू का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, 2 प्लस थ्री का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, या कोई भी ऐसा स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, 10 प्लस फाइव का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, तो अलग अलग मान आप x की जगह, y की जगह, a की जगह या b की जगह रखते जाएंगे और उनका कैलकुलेशन करते जाएंगे। ये एक आसान काम है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको ये टास्क दिया जाए कि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव करो, साबित करो कि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर, तो वो अपेक्षाकृत आपको कठिन महसूस होगा। एक और जो विशेषता है इसकी, डिडक्टिव मेथड की, यह है कि गणितीय अभ्यास एवं पुनरावलोकन के लिए, रिविजन के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी है। जितना भी गणित में हम रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो अधिकांश डिडक्टिव मेथड पर ही आधारित होते हैं। निगमन विधि के द्वारा विविध नियमों के प्रयोग का उपयुक्त अभ्यास कराया जा सकता है। जैसे अलजेब्रा के जितने फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी के दी होल क्यू का फॉर्मूला ले लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ले लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ले लीजिए। एक बार हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखा इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करके, उसके बाद उस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए हम हमेशा डिडक्टिव मेथड यूज करते हैं। जैसे अगर हमने फॉर्मूला सीखा है a प्लस बी का दी होल क्यू का और हमें कैलकुलेट करना है 33 का क्यू, तो उसको हमने 30 प्लस 3 दी होल क्यूब कर दिया, उसके बाद उस फॉर्मूले पे ब्रेक किया। ऐसे ही इंडिविजुअल एग्जांपल के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि
निगमन विधि पर आधारित है। तो गणित में फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए इंडक्शन मेथड, आगमन विधि और उस फॉर्मूले को सत्यापित करने के लिए तथा उस फॉर्मूले का अभ्यास करने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का एक और गुण यह है कि यह विधि जो है विभिन्न बौद्धिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। सामान्य छात्रों को सामान्य तथा प्रतिभावान छात्रों को कठिन प्रश्नों द्वारा अभ्यास कराया जा सकता है। जैसा कि हम बार बार इस पाठ में कह चुके हैं, आगमन एवं निगमन विधि एक दूसरे के पूरक हैं। इनका प्रयोग एक दूसरे के साथ ही किया जाना चाहिए और साथ ही ये जो विधि हैं, आगमन निगमन विधि, इनका समन्वित प्रयोग सभी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हर विधि की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं, हर विधि की कुछ न कुछ कमियां होती हैं, वैसे ही निगमन विधि की भी अपनी कुछ कमियां हैं, जिसमें कुछ कमियों की चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि प्रारंभिक गणित के स्तर पर अमूर्त सूत्र सिद्धांतों को समझना बहुत कठिन होता है। यदि उन्हें मूर्त रूप में उदाहरणों से स्पष्ट न किया जाए, तब कहने का मतलब है कि जो बचपन का स्तर होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का स्तर होता है, उसमें बच्चे इन्वायरमेंट के साथ सीधी अंतःक्रिया करके सीखते हैं और मूर्त वस्तुओं पर काम करते हुए सीखते हैं। इसलिए इस एज में डिडक्टिव मेथड ज़्यादा महत्वपूर्ण आरंभिक स्तर पर नहीं है, ज़्यादा उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो डिडक्टिव मेथड है वो स्मरण पर आधारित है, क्रेमिंग बेस्ड है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं, वो सूत्र याद करना है। अब जब सूत्र याद करके सिर्फ आप उसमें अलग अलग मान रख के हल निकालते हैं, तो यह संभावना कम होती है कि विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता विकसित होगी। कहने का मतलब है कि चूंकि स्मरण आधारित विधि है, इसलिए इसमें विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता के विकसित होने के अपेक्षाकृत कम अवसर इंडक्टिव मेथड की बजाय प्राप्त होते हैं। तीसरी जो कमी इसकी है वो ये है कि विद्यार्थियों को सूत्र की संकल्पना और व्युत्पत्ति को समझने में कठिनाई होती है। डिडक्टिव मेथड में बच्चे को सूत्र तो बता दिया गया, लेकिन वो कैसे व्युत्पन्न हुआ, वो कैसे निकला, इसका पता उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को नहीं है। तो वह उसकी व्युत्पत्ति को कैसे समझ सकता है, उसका ओरिजिन कैसे समझ सकता है। तो इस मामले में जब भी किसी सूत्र की व्युत्पत्ति, किसी संकल्पना की व्युत्पत्ति को समझना है, तब निगमन विधि जो है अप्रभावी साबित होता है। साथ ही निगमन विधि जो है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि कहती है कि हमें सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए, हमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, हमें होल का अध्ययन करके, संपूर्ण का अध्ययन करके उसके बाद पार्ट की ओर जाना चाहिए, उसके भागों की ओर जाना चाहिए, जबकि ये उसका विपरीत है। हमारी मनोवैज्ञानिक विधियाँ कहती हैं कि हमें सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए और हमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, लेकिन निगमन विधि में इसका उल्टा हो रहा है कि हम अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं और हम जटिल से, जटिल फॉर्मूले से सरल इंटरप्रिटेशन तक, सरल उदाहरणों तक जा रहे हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। एक बार हम चर्चा कर लें कि इन दोनों विधियों में अंतर क्या क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर टेबल में, कि एक तरफ आगमन विधि हमने लिया है, एक तरफ निगमन विधि लिया है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रोसीड करता है, जबकि निगमन विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि जो है यथार्थ से अमूर्त की ओर चलता है, लेकिन निगमन विधि जो है वो अमूर्त से यथार्थ की ओर चलता है। आगमन विधि जो है विद्यार्थियों को सक्रिय रखने वाला एवं उनके तार्किक चिंतन की क्षमता को बढ़ाने वाला है, जबकि निगमन विधि जो है, दोनों विधियां अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं, दोनों विधियां अच्छी हैं। आगमन विधि जो है विद्यार्थी को सक्रिय रखता है और उनकी तार्किक क्षमता को बढ़ाता है, जबकि निगमन विधि जो है सूत्रों पर आधारित गणितीय समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों को दक्ष बनाता है। आगमन विधि जो है उसका प्रारंभ प्रत्यक्ष अनुभवों से होकर सामान्यीकरण की ओर ले जाता है, जबकि निगमन विधि जो है नियम एवं सिद्धांतों से होकर अभ्यास और प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। ध्यान दीजिए कि आगमन विधि जो है शुरू कहाँ से होता है, पहले प्रत्यक्ष अनुभवों से, और उसके बाद हम उसके आधार पर एक नियम, एक सामान्यीकरण कर लेते हैं, जबकि निगमनात्मक विधि जो है, निगमन विधि जो है वो क्या करता है, आरंभ कहाँ से होता है, नियमों और सिद्धांतों से, और ये
विद्यार्थी को ये अवसर देता है कि वह अभ्यास और प्रयोग करे और उस सूत्र पे गणित में दक्ष बने। आगमन विधि जो है सिद्धांत एवं सूत्रों की व्युत्पत्ति की समझ प्रदान करता है। ऑन द अदर हैंड जो निगमन विधि है वह सिद्धांतों एवं सूत्रों की व्युत्पत्ति की बजाय उनके अभ्यास पर जोर देता है और उनके सत्यापन का मौका विद्यार्थी को प्रदान करता है, उनके सत्यापन के लिए उपयुक्त है। आगमन विधि विद्यार्थियों के अन्वेषण क्षमता को बढ़ाता है, जबकि निगमन विधि जो है वो पूर्व में प्राप्त सिद्धांतों एवं ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने वाला है। इस प्रकार हमने देखा कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। अब हम देखें कि आगमन और निगमन विधि का गणित शिक्षण में प्रभावी प्रयोग कैसे कर सकते हैं। वस्तुतः आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के अपने अपने गुण दोष हैं। अगर दोनों को एक साथ आप प्रयोग करेंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में, अगर बुद्धिमत्ता पूर्वक आप दोनों को एक साथ प्रयोग करेंगे तो दोनों की कमियां जो है वो कंपनसेट हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। आगमन निगमन विधियों का गणित शिक्षण में समन्वित प्रयोग गणित को न केवल अधिक तर्कसंगत बल्कि रुचिकर भी बनाता है। और दोनों विधियां, जैसा कि बार बार हम लोगों ने चर्चा की इससे पहले आगमन विधि के समय भी, निगमन विधेयक के समय भी, ये दोनों विधियां जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं। गणित शिक्षण जो है खास करके आरंभिक बाल्यावस्था में आगमनात्मक विधि से या आगमन विधि से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो संकल्पनाएँ बच्चे सीखते हैं इस एज में, अर्ली चाइल्डहुड के एज में, वो आगमनात्मक विधि से, इंडक्टिव विधि से ही सीखते हैं। अधिकांश जो अनुभव उनका होता है वो आगमनात्मक प्रकृति का होता है। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चा तब तक नहीं सुनता जब तक वो उसके हाथ आग से खुद ना जलें। वो शायद आपकी बात नहीं मानेगा, आप उसको खींचेंगे, अगर मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, आप उसको आग से दूर करेंगे, वो दोबारा जाएगा छूने, आग से दूर करेंगे दोबारा जाएगा छूने। एक बार अगर उसने आग छू ली है, उसका हाथ गर्म हुआ, तो बच्चा हाथ खींच लेगा। उसके बाद एक बर्तन से मान लीजिए हाथ जला, कोई दूसरा टच करेगा हाथ जलेगा, तीसरा करेगा हाथ जलेगा, तो वो सामान्यीकृत कर लेगा कि जब भी इस प्रकार के बर्तनों को हम छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। और बचपन का सारा अनुभव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आगमन विधि से ही होता है। इसलिए छोटे एज के बच्चों को पढ़ाने के लिए आगमन विधि बहुत उपयुक्त है। अतः उनके शिक्षण का आरंभ आगमन विधि से ही करना चाहिए और बाद में अभ्यास कराने के लिए निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करना चाहिए। आगमनात्मक विधि का प्रयोग गणित को समझने में और निगमन विधि का प्रयोग करके उसके अनुप्रयोग में किया जाना चाहिए, और इन दोनों का संयुक्त प्रयोग जो है गणित शिक्षण को अत्यंत प्रभावी बना सकता है। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने सीखा कि गणित शिक्षण की आगमनात्मक विधि क्या है, इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं। साथ ही हमने सीखा कि गणित शिक्षण की निगमनात्मक विधि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि इन दोनों विधियों का समन्वित प्रयोग जो है गणित शिक्षण के लिए प्रभावी रूप से कैसे किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।